आइए अगली आवाज देता हूं। शाहिद भाई बैठे हैं हमारे पास, शाहिद सफर भाई जो प्रयागराज से आए हैं। क्या बात है शाहिद भाई, एक बदला दो शहर से अपनी बात शुरू करता हूं। इरशाद मंच की भी तवज्जो चाहता हूं। सुनेगा के जी इनायत करें दादा। कभी सूफी बनाता है कभी साधु बनाता है, कभी सूफी बनाता है कभी साधु बनाता है। पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग दो मिनट के लिए वक्त दे, सुकून से सुन लेंगे तो शायरी जाया नहीं जाएगी। लेकिन शाहिद भाई आप सुनाते रहे, जो सुनने वाले हैं उनकी नजरें आप पर ही हैं। सुने कि कभी सूफी बनाता है कभी साधु बनाता है, बहुत अच्छे। वही जर्रा चमकता है जिसे एक तू बनाता है, बहुत अच्छे। वही जर्रा चमकता है जिसे एक तू बनाता है, अब बना तो मैं भी सकता हूँ हजारों फूल कागज के, बना तो मैं भी सकता हूँ हजारों फूल कागज के, मगर उसकी सिफत यह है कि वो खुशबू बनाता है। मगर उसकी सिफत यह है कि वो शाहिद भैया जिंदाबाद, कि वो खुशबू बनाता है। बहुत अच्छे। चार मिसरे और देखे, इनायत करें कि नजर के तीर से जादू से खेल पाओगे। तवज्जो चाहूंगा कि नजर के तीर से जादू से खेल पाओगे, बहुत करोगे तो बाजू से खेल पाओगे, बहुत करोगे तो बाजू से खेल पाओगे, और हजार फूल इकट्ठा करोगे तब जाकर हमारे जिस्म की खुशबू से खेल पाओगे। हमारे जिस्म की खुशबू से खेल पाओगे, बहुत अच्छी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। खुशबू से खेल पाओगे, जिस तरह नजरअंदाज आप लोग भीड़ भाड़ में हो रही शायरी की, मैं चार मिसरे शायरों के हवाले से पेश आता हूँ, आता हूँ कि बेवजू होके पढ़ेगा तो वो जल जाएगा, बेवजू होके पढ़ेगा तो वो जल जाएगा, बावजू होके पढ़ेगा तो मचल जाएगा। क्या बात है, बावजू होके पढ़ेगा तो मचल जाएगा। अब फूंक दो मेरी गजल पढ़ के किसी पत्थर पे, मेरा दावा है कि पल भर में पिघल जाएगा। फूंक दो मेरी गजल पढ़ के किसी पत्थर पे, मेरा पूरी नुमाइंदगी हुई है शायर समाज की, मेरा दावा है कि पल भर में पिघल जाएगा। चार मिसरे देश के हवाले से पेश करता हूँ। सुनिएगा के मैं शाहिद सफर चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। के तिरंगे को बचा लेना, बहुत संदिग्ध, सुनिएगा, सुनिएगा सर, के तिरंगे को बचा लेना मुझे तुम चाक कर देना, तिरंगे को बचा लेना मुझे तुम चाक कर देना, सियासत हिंदू मुस्लिम की जलाकर राख कर देना, सियासत हिंदू मुस्लिम की जलाकर राख कर देना, जो मर जाऊं वतन के नाम पर तो दोस्तों सुन लो, जो मर जाऊं वतन के नाम पर तो दोस्तों सुन लो, छिड़क कर गंगा जल तन पर सुपुर्दे खाक कर देना, छिड़क कर गंगा जल तन पर सुपुर्दे खाक कर देना। और सारी दो चार से पेश कर रहा हूँ, सुनेगा के मिसाले जंग की तहरीर देखने के लिए, सुनिएगा कमल आता हूँ, मिसाले जंग की तहरीर देखने के लिए, निगाहें चाहिए शमशीर देखने के लिए, निगाहें चाहिए शमशीर देखने के लिए, और जुनू का शौक ये देखो कि आए दीवाने, जुनू का शौक ये देखो कि आए दीवाने, हमारे पांव में जंजीर देखने के लिए। क्या बात है, हमारे पांव में जंजीर देखने के लिए। शेर सुनिएगा, खास तवज्जो चाहता हूँ कि हमारे पांव में जंजीर देखने के लिए हम अपनी आँख हथेली पे रख के आए हैं। वाह, हम अपनी आँख हथेली पे रख के आए हैं किसी की आखिरी तस्वीर देखने के लिए। बहुत अच्छे, अपनी आँख हथेली पे रख के आए हैं किसी की आखिरी तस्वीर देखने के लिए। एक पतला दो शेर आखिरी सुन ले के अंत सुनना भाई, के गूंगे और बहरों की सदा हो जाएंगे, गूंगे और बहरों की सदा हो जाएंगे जिस दिन मुझसे आप जुदा हो जाएंगे, गूंगे और बहरों की सदा हो जाएंगे जिस दिन मुझसे आप जुदा हो जाएंगे, और होठों पे इतनी भी परतें ठीक नहीं, होठों पे इतनी भी परतें ठीक नहीं,
दरिया सागर झील खफा हो जाएंगे। वाह क्या बात है, इतनी बातें ठीक नहीं, दरिया सागर झील खफा हो जाएंगे। अब आखिरी शेर सुने के जख्मों को चांदी के वरक से ढक लेना, जख्मों को चांदी के वरक से ढक लेना, धीरे धीरे खुद ये दवा हो जाएंगे। जख्मों को चांदी के वरक से ढक लेना, दवा बता दी, धीरे धीरे खुद ये दवा।